ओके गाइस, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा फ्यूचर का वीडियो मिलते रहे। अगर आप यही डेस्कटॉप में करना चाहते हो तो जहां आपको रेड आइकॉन मिलेगा वहां आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसे भी प्रेस कीजिए और बेल का आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो जैसे मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके गाइस, तो आज हम देखेंगे ईवी लॉन्चर के बारे में, क्योंकि बहुत सारा सब्सक्राइबर्स ने मुझे एक ही पूछा कि आपका लॉन्चर कौन सा है तो उसके ऊपर वीडियो बना दो। तो चलिए देखते हैं कि आज ये वीडियो में क्या है। तो एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हमारा जो लॉन्चर है वो तो नॉर्मली है, जो MIUI का इनबिल्ड सिस्टम लॉन्चर आता है वो उतना खास नहीं है, लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि उनका लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर जैसे हो, गूगल लॉन्चर जैसा हो, लेकिन उन्हें वो इंस्टॉल करने समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है। इजी स्टेप पे आपको दो तीन फॉलो करना है। आपको ईवी लॉन्चर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसे मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे आप उसे ओपन करोगे आप वो लॉन्चर पे सेट हो जाओगे। आप उसे बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मैं कम से कम 3-4 महीने से यही लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ, तो दिखाएंगे कि आज इसको कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं। तो आपको टैप एंड होल्ड करना है। अगर आप स्वाइप किए तो आपको कौन सा भी आप ये कर सकते हो, और अगर आपको उसमें आइकॉन फिक्स करना है तो आप फिक्सर लॉन्चर इसे अपडेट कर सकते हो। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा आपको बैक लेना है। बैक लेते ही प्रेस एंड टैप करना है। टैप करने के बाद सेटिंग्स में होम स्क्रीन पे जाना है। होम स्क्रीन पे आपको जितना कॉलम चाहिए आप उतना रख सकते हो, 5-6 नियर बाय 10 तक आप रख सकते हो। रो भी सेम आपको 20 तक मिल जाएगा, और आइकॉन का साइज़ है वो इतना मैं जैसे दिखा रहा हूँ, अगर वैसे किया तो आपको पिक्सल लॉन्चर ही मिल जाएगा, लेकिन आपका मन के ऊपर है कि आप कितना उसको कस्टमाइजेशन करोगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, और डॉक अगर आपको चाहिए जो स्वाइप डॉक रहता है वो आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से, तो उसका भी आप साइज़ चेंज कर सकते हो। आप उसका आइकॉन साइज भी चेंज कर सकते हो, या उसका बैकग्राउंड जो लेबल है वो डिम कर सकते हो या ब्राइट पे रख सकते हो। और जो आइकॉन पैक से जो हमने अभी डाउनलोड किया हुआ था पिक्सल आइकॉन पैक, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो आपको ग्रुप सेटिंग्स है वो आप कौन सा भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। और अनरीड मैसेंजर, मतलब ये अगर बैजेस देंगे कि आपका कौन सा भी मैसेज में कुछ भी नोटिफिकेशन आया आपको बैचेस मिलेगा उसमें, तो आप ये इनेबल कर सकते हो। ये आजकल नोगट में ही मिल रहा है, तो आपको आप तो किसी में भी ये कर सकते हो क्योंकि ये लॉन्चर है एक। और आपको गेस्चर भी मिल सकता है, डबल टैप टू स्लीप, ये सब मिल जाएगा। और ऐप ड्रावर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, और हाइड ऐप पे आप हाइड कर सकते हो, आपको जो अनवांटेड एप्लीकेशन है, जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे ये कर सकते हो। और जैसे ही इसमें 3D टच इनेबल हो जाता है, अगर आपने यूट्यूब पे प्रेस एंड होल्ड किया तो आपको 3D टच इनेबल होगा। जैसे ही आप ट्रेंडिंग के जो भी सब्सक्रिप्शन जिसमें भी प्रेस करोगे आप उसे पा पाओगे। और जैसे ही इसे नीचे स्लाइड करते ही आपको सर्च बार मिलेगा, जहाँ से आप वीडियो आपका ऐप सर्च कर सकते हो, कॉन्टेक्ट सर्च कर सकते हो, या आपको गूगल में सर्च करना होगा वो भी आप यहाँ सर्च कर सकते हो। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर, अगर मैंने सर्च किया तो आपको गूगल का लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो आप उसे सिर्फ एक सिंपल सा टैप करना है जो आपको गूगल पे लेके जाएगा और वहाँ आपको उसका रिजल्ट दिखा देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, आज 24 सेल्सी धूप है, तो आपको यहाँ पूरा न्यूज़ मिल जाएगा। वैसे ये आप टैप एंड होल्ड करके इसका वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। इसका वॉलपेपर में जो भी आपको अच्छा दिखेगा वो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी उसका वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सो होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने मुझसे पर्सनली कनेक्टेड होना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।